मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल क्या होता है? तो वो क्वेश्चन रूल इस तरह से होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों इस तरह से डिवीजन में, तो आप इसको ऐसे लिख दें, जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे याद रखेंगे आप। आप इसको देखिए, ऐसे ध्यान रखिए, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डी आर फॉर डिनोमिनेटर एन आर फॉर न्यूमरेटर। और याद रखने के लिए टू कीप इन माइंड, अगर आपको याद रखना है कि याद नहीं रहेगा तो मैं आपको एक एब्रीविएशन बताता हूँ, एब्रीविएशन ऐसा इसका डी एन ए, ऐसा लिखना डी एन ए माइनस एन डी ए, डी एन ए माइनस एन डी ए का मतलब है डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करोगे न्यूमरेटर का, माइनस एन डी ए न्यूमरेटर एज इट इज रखना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में क्या कर देंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आइए आप कुछ सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो पहला सवाल है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूछा हमसे कि इसको डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो इधर भी डी डी एक्स लगाएंगे और उधर भी डी वाई डी एक्स लगा देंगे। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दिया है, अब फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। तो फार्मूला क्या कहता है आपका, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज, डी डी एक्स किसका डिनोमिनेटर का। अब एक्स स्क्वायर बहुत सिंपल है, एकदम से आप आराम से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए स्क्वायर का जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, तो अगर आप 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, माइनस टू ए स्क्वायर को जब 2x से करेंगे मल्टीप्लाई तो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपने कर दिया डिफरेंशिएशन इसका और आसानी से आपका आंसर आ गया। अगर आपको अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, जिसमें आपको सेल्फ ट्राई करना है और बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है, पर उसमें मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ, एक्स प्लस वन अप एक्स माइनस वन कर लेते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दें, अगर वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन माइनस वन बाय एक्स अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये बिल्कुल उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, आपके पास यही आ गया एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो आप दोनों क्वेश्चन, दोनों मतलब एक ही चीज़ है, एक को ट्राई करना और दूसरा अपने दिमाग में बिठा लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा लेता हूँ, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशेंट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा।
तो आए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x साइन x प्लस कॉस x अपॉन x कॉस x माइनस साइन x। तो इसके लिए आप डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ y कर देंगे और इधर भी आप डी डी एक्स होल कर देंगे इसका पूरे का जो लिखा हुआ है, x साइन x प्लस कॉस x अपॉन x कॉस x माइनस साइन x। अब देखिए रूल लगा देते हैं हम, अब रूल लगा देते, तो रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, x cos x माइनस साइन x कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा x साइन x प्लस cos x का माइनस x साइन x प्लस cos x एज इट इज इनटू इनटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा आपका, इनटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका x cos x माइनस साइन x का। क्लियर, तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के बाद का स्टेप। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे बढ़ने के लिए अब आपको यहां से मैं लिख देता हूं ताकि जगह क्योंकि ज्यादा लगेगी, x cos x माइनस साइन x और यहां पे ऐसा कर देंगे डी डी एक्स दोनों का अलग कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स, मैं बार बार भूल चुका हूं, माइनस x साइन x प्लस cos x और यहां हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x cos x माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन x होल अपॉन, पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है, पूरे के अपॉन में आने वाला है x साइन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना करें, धीरे धीरे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x x ये चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन, पहले इसको लिख लें वन अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर, इसको अलग कर दें, अब हमारा यही यही चलेगा, तो ये हो जाएगा x cos x माइनस साइन x होल साइन x इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में x का डिफरेंशिएशन 1, cos साइन x को रहेगा कांस्टेंट, प्लस x कांस्टेंट रहेगा साइन x का cos x, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, ये साइन x और ये साइन x कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, माइनस x साइन x प्लस cos x और यहाँ पर डेरिवेटिव लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x का हो जाएगा 1, cos x कांस्टेंट, x कांस्टेंट cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x, ये cos x से कैंसिल हो गया। अब क्या करें हम, तो अब कुछ खास बात नहीं, सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कौन किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जब x cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर cos स्क्वायर x, x cos x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साइन x cos x। क्लियर, अब ये देखिए ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस बाहर है, तो मैं माइनस को डिस्टर्ब नहीं करता, माइनस को बाहर ही रहने दें, अब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वो है माइनस एक्स साइन एक्स, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स
कॉस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आपके पास है वन अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब जो बचा है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, वन अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन, और ये फिर फाइनली आप ऐसा लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर में देता हूं, जो आप खुद ट्राई करना, सेल्फ ट्राई करना, उसको इसका अपोजिट बना लेना, एक्स कॉस एक्स और क्वेश्चन नंबर वो होगा आपका फोर, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो होपफुली इसका आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, जैसे उसमें प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि आप इसको ट्राई करें और ट्राई करके आप बताएं कि सर हमारा आंसर आ गया, जो मेथड आपने बताई थी उस मेथड से हमने इसका आंसर निकाल लिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जिसमें आपको थोड़ा और सीखने को मिलता है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कहें कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, अदरवाइज सारे डेरिवेटिव्स इसके सिंपल हैं, आपने देख लिए dy बाय डी एक्स, इधर भी इसका डी डी एक्स कर देंगे, वन प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इनफैक्ट लिखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, वरना साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते, दो फैक्टर बनाते, वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाता, तो अब थोड़ा ठीक बन गया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन किसका आ जाएगा, डी डी एक्स किसका आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, डी डी एक्स किसका होगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, फिर साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहां पर इसको लिखेंगे वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ वन प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वन अपॉन में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज, साइन एक्स में प्रोडक्ट रूल, पहले इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये साइन एक्स रहेगा कांस्टेंट, फिर इस साइन एक्स को रख दो कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट वन का डेरिवेटिव जीरो, पहले इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स रहेगा कांस्टेंट, ये कॉस एक्स कांस्टेंट प्लस, अब इस कॉस एक्स को कांस्टेंट रख दीजिए और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए माइनस साइन एक्स, ये आपका आ गया, इसे इस हिस्से को रख कर देते और अपॉन में आएगा आपके पास वही जो था
उसमें कोई चेंज नहीं, क्या है वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब क्या हो गया आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। चाहेंगे तो आप साइन 2x भी लिख देंगे तो दिक्कत की बात नहीं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट, ये क्या है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा आपके पास, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं आप, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा आपके पास 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसको आप चाहें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख दें और 1 प्लस 1 हो जाएगा ये अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, इसको लिख दें 1 प्लस 1 को 2 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मैं आपको कुछ दो क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद ट्राई करना, एक तो है y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। इसमें भी आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा और इसमें भी आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा, और मुझे दोनों लिख भेजिएगा कि सर हमारे आंसर ये आ रहे हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेस आपको कि आप डिफरेंशिएशन अच्छा करें। ये क्लास 11th का था जो बेसिक पोर्शन था जिसमें हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल तक डिस्कस किया। इसके आगे होता है जो चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो साइंस के स्टूडेंट हैं क्लास 11th के उनको फिजिक्स में लगता होगा, तो वो 12th का जो डिफरेंशिएशन है उसको थोड़ा सा एक्सेस करें और पढ़ लें तो दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट। और ये क्लास 11th का डेरिवेटिव्स का पोर्शन था, डिफरेंशियल कोफिशियंट भी कहते हैं, डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, तो ये यहाँ तक था सिंपल डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल और चेन रूल। नेक्स्ट क्लास में है, क्लास 12th में, जिसके वीडियो डले हुए हैं, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हों तो उनको एक्सेस कर लें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट।